हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका साहिल खान व्लॉग में। और आज हम एक नया व्लॉग लेकर आए हैं जो रणथंभौर फोर्ट के ऊपर बना हुआ है। रणथंभौर फोर्ट जिसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम आपको रणथंभौर फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पूरा इतिहास जो भी रणथंभौर फोर्ट का है वो आज के व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बिना स्किप किए बने रहें, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो गाइस, शुरुआत कर चुके हैं हम आज की जर्नी की। और ये नेशनल पार्क का एरिया स्टार्ट हो चुका है रणथंभौर नेशनल पार्क का। इसी रास्ते में होके आगे जाने के बाद में रणथंभौर फोर्ट आएगा। तो गाइस, हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं मिसल दरा, जहाँ पर गाय के मुँह में से पानी निकलता है। यहाँ पर गेट नंबर 4, गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 नेशनल पार्क का आ चुका है। और यहाँ से सफारी की एंट्री होती है। तो जंगल सफारी की बुकिंग का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप सफारी बुक कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक दरगाह है जो मेन रोड पर है। और यहाँ भी एक दरगाह बनी है। तो
गाइस ये रणथंभौर नेशनल पार्क का गेट नंबर 3 है, जिसी के अंदर जोगी महल भी है और मलिक तालाब वगैरह सब इसी के अंदर हैं। तो यहाँ से नेशनल पार्क के गेट नंबर 3 की एंट्री भी होती है। तो गाइस जंगल सफारी बुकिंग के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप जंगल सफारी बुक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से हमारी रणथंभौर फोर्ट की जर्नी शुरू हो चुकी है और यहाँ से रणथंभौर फोर्ट की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हम सीढ़ियाँ चढ़कर फोर्ट के ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 200-250 सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, उसके बाद ऊपर की ओर जाना पड़ता है। और ये सीढ़ियों के पहले सामने वाली दीवार है, ये दीवार इसलिए बनाई गई थी कि जैसे कि कोई दुश्मन की सेना है तो सामने से किला फेंक दिखे, इस वजह से दीवार बनाई गई थी। तो गाइज ये रणथंभौर फोर्ट का फर्स्ट गेट है, जिसको नवलखा पोल कहते हैं। गाइज यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, बालाजी का मंदिर है, जहाँ पे माता जी पानी वगैरह की सेवा भी करती हैं। गाइज ये जो सफेद कलर का पत्थर दिख रहा है, पहले इस पर हाथी बना हुआ था। ये पत्थर की एक मूर्ति बनी है, इसको यहाँ पर कहा जाता है कि ये गद्दार था, अमीर की सेना के अंदर इसने गद्दारी की। हम हाथी पोल है, ये दूसरा नंबर का गेट है। गाइस ये जो दो निशान दिख रहे हैं घोड़े के पैर के, ये राव हमीर के घोड़े के निशान बताए जाते हैं कि जब अलाउद्दीन की सेना से आक्रमण करने के बाद लड़ाई जीत चुके थे, उसके बाद राव हमीर रानियों को बचाने के लिए ऊपर जा रहे थे, उस टाइम घोड़ा यहाँ से चढ़ा हुआ था, उसी से निशान हुए थे। गाइस ये फोर्ट का तीसरा गेट है, जिसका नाम गणेश पोल है। जी ये जो गेट आ रहा है, ये चौथा नंबर का गेट है और ये अंधेरी पोल है। ये चौथे नंबर का गेट है रणथंभौर फोर्ट का, जिसको अंधेरी पोल कहते हैं। और यहाँ से अंदर जाने के बाद में दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता राइट में जाता है जो गणेश मंदिर की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता सीधा जाता है। तो जब राजाओं के टाइम पर शत्रु की सेना आती थी तो यहाँ आकर भटक जाती थी, वो ये सोचती थी किस साइड जाना है, तो इसी वजह से दो गेट यहाँ पर बना रखे। गाइस रणथंभौर फोर्ट का मैप बना हुआ है, गाइड मैप ऑफ रणथंभौर फोर्ट। गाइस ये रास्ता दरगाह, बादल महल और हमीर कचहरी की ओर जाता है। गाइस यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, जो राइट वाला रास्ता है वो बादल महल की ओर जाता है, और जो लेफ्ट वाला ये रास्ता है ये गणेश मंदिर की ओर जाता है। तो हम गणेश मंदिर की ओर पहले जा रहे हैं। गाइस अभी ये जो रास्ता जा रहा है ये 32 खंभे की छतरी की ओर जा रहा है, 32 खंभे की छतरी के नीचे ही शिव मंदिर भी बना हुआ है। ये 32 खंभे की छतरी है। गाइज ये 32 खंभों की छतरी है, जो राव अमीर के टाइम पर ही बनाई गई थी। यहाँ पर एक छतरी और है आगे, जो शिव मंदिर की तरफ है, उसमें आगे हम अभी जाएंगे। और ये 32 खंभों की छतरी है, जो बंदरों के आराम करने के लिए हैं, यहाँ ज़्यादातर बंदर बैठे रहते हैं। गाइस ये शिव मंदिर है, जो 32 खंभे की छतरी के नीचे बना हुआ है। ये यहाँ पर ज्योति जल रही है, ये 32 खंभे की जो छतरी है उसके नीचे शिव मंदिर बना हुआ है। गाइस ये पार्क है, जो हमीर महल के सामने है। हमीर महल में फिलहाल अनुमति नहीं है जाने की। गाइस जब हम जा रहे हैं राज मंदिर की ओर, यहाँ पर राज मंदिर बना हुआ है। यह अमीर महल के सामने पार्क है और पार्क के सामने राज मंदिर है। ये
राज मंदिर है भाई। गाय ये सामने जो दिख रहा है ये अमीर महल है, इसमें राहु अमीर रिहा करते थे। इसी महल के अंदर राजा के हथियार हुआ करते थे, लेकिन अभी इसमें प्रवेश वर्जित है। आज भी इसमें राजा के हथियार वगैरह रखे हुए हैं, तलवारें वगैरह, लेकिन प्रवेश वर्जित है। पुरातत्व विभाग की तरफ से इसमें प्रवेश वर्जित कर रखा है। और इसके अपोजिट में ही यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, ये अमीर महल है। अमीर महल के अपोजिट में गार्डन है। गाय जी ये एक और दरवाज़ा बना हुआ है, इसके अंदर ये भी शायद कोई पुराना महल है जो खंडहर हो चुका है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो खंभों की डिज़ाइन, इसके खंभों पर मीनाकारी का एक नंबर काम हो रखा है। तो ये भी बहुत ही अच्छी जगह है देखने में, लेकिन खंडहर हो चुका है। गाय जी रणथंभौर फोर्ट पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार आक्रमण किया है और एक बार भी नहीं जीत पाया। सन 1300 के अंदर उसने आक्रमण भी किया है। ये तालाब है जो गणेश जी के मंदिर के सामने बना हुआ है, अभी इसमें कंची छा रही है और नाना करना इसमें मना है। गाइस ये राखी बांध के गए, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे सभी ने अपनी अपनी राखियाँ यहाँ पर बांध रखी हैं कुंड के पास जो जाली है, इस जाली पर। गाइस यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है, बालाजी का मंदिर। ये अन्नपूर्णा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ये बंदा है जो श्रद्धालु आते हैं उनका प्रसाद छीन के एंजॉय कर रहे हैं, श्रद्धालुओं का प्रसाद इन्होंने छीन लिया है, वो एंजॉय कर रहे हैं उससे। ये मजा आ रहा है इनको खाने के अंदर। गाइस ये मजार बने हुए हैं, ये पहले शहीद हो चुके थे तो अभी पुरातत्व विभाग द्वारा इनका नवीनीकरण किया गया है। ये मजार बने हुए हैं यहाँ पर। गाइस ये एक डोली बनी हुई है जो देखने में तो सांची का स्तूप जैसी लगती है। गाइस यहाँ पर ये दरगाह बनी हुई है जो गणेश जी के मंदिर के बिल्कुल अपोजिट है। ये दरगाह है, मजार बने हुए हैं यहाँ पर, दो मजार हैं। ये गणेश मंदिर के अपोजिट के अंदर है और ये पुराने टाइम की दरगाह के बाहर मस्जिद बना रखी है जहाँ पे नमाज पढ़ सके। और गाइस ये दरगाह के बाहर एक मजार और बना हुआ है। गाइस अब ये रास्ता जो जा रहा है गणेश जी के मंदिर के लिए जा रहा है, यहाँ पर ये पाइप लगा रखे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि तो जब मेला वगैरह होता है तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी हो जाती है, तो इसमें आने और जाने दोनों के अलग रास्ते बना रखे हैं प्रशासन के लिए, बीच में से रास्ता दे रखा है। गाइस ये दुकानें लगी हुई हैं जो गणेश जी के मंदिर के बाहर हैं, अभी पट बंद है मंदिर के। ये गणेश जी के मंदिर के बाहर दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर प्रसाद वगैरह मूर्ति वगैरह सब मिलती हैं। गाइस ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर गणेश जी पूरे परिवार के साथ विराजमान है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पूरे परिवार के साथ गणेश जी विराजमान है। और अभी पट बंद हुए हैं यहाँ के, ये 2 बजे करीब पट खुलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं गुप्त गंगा की ओर। गुप्त गंगा 36 खंबे की छतरी, बारूद के गोदाम, उनकी ओर अब हम जा रहे हैं।
गाइज ये गुप्त गंगा है, तो ये गुप्त गंगा में अंदर की ओर जा रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है अंदर। ये गाइज गुप्त गंगा में प्रतिमा लगी हुई है और रास्ता और नीचे भी जा रहा है। ये यहाँ पर देखिएगा ये पानी भरा हुआ है। ये गुप्त गंगा में पूरे 12 महीने में पानी भरा रहता है। ये पहाड़ी के नीचे एक चट्टान के नीचे भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। गाय जी हमारे एजाज भाई के दोस्त मिले हैं यहाँ पर, जो पीलवा नदी रहते हैं भाई। पीलवा नदी से ही हो ना सब? ये पीलवा नदी के रहने वाले हैं और इनमें एक भाई भी हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा है, जो इनके ग्रुप के लीडर हैं सुनील भाई। और ये एजाज भाई के फ्रेंड सर्किल है पूरे, जो हमें यहाँ पर मिले हैं गुप्त गंगा के यहाँ पर। तो गाय जब हम जा रहे हैं बारूद के गोदामों की ओर। गाय ये बारूद का गोदाम है, इसके ऊपर हम जा रहे हैं। ये फर्स्ट गोदाम, सेकंड गोदाम आगे। यहाँ राजा के टाइम पर बारूद वगैरह रखा जाता था, लेकिन अभी बारूद की बदबू नहीं आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर चमगादड़ों की बदबू आ रही है। तो गाय ये दूसरा वाला गोदाम है, दूसरे वाले गोदाम पे हम जा रहे हैं। गाय ये सेकंड नंबर का गोदाम है और ये गोदाम में ये पेड़ उगे हुए हैं। यहाँ पर सुराख कर रखे हैं, छेद बने हुए हैं जिससे कि एयर पास हो, हवा पास होने के लिए सुराख बने हुए हैं। सभी सुराखों में भी पौधे उग चुके हैं। गाय ये जो पीछे पहाड़ दिख रहा है, ये सोलेश्वर महादेव का मंदिर इसी पहाड़ के अंदर है पीछे जाकर। यहाँ पर भी एक छतरी बनी हुई है, छतरी है यहाँ पर। गाय जब हम पहुंच चुके हैं 32 खंबे की छतरी पर, ये दूसरे नंबर की 32 खंबे की छतरी है। फर्स्ट नंबर की जब किले में फोर्ट के अंदर हम इंटर करते हैं और ऊपर चढ़ते हैं तो फर्स्ट वाली आ जाती है, और ये सेकंड नंबर की है जो कि गुप्त गंगा से आगे की ओर है। गाय जी जो छतरी है ये भी 32 खंभों की है। इस छतरी के अंदर भी 32 खंभे हैं और ये जो है गुप्त गंगा से थोड़ा आगे आने के बाद बारूद के गोदाम है। बारूद के गोदाम के आगे जा कर के ये 32 खंभे की छतरी है, इसी के अंदर शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पर शिवलिंग भी है और यहाँ से ही किले की दीवार का एंड हो जाता है। यहाँ से किले की दीवार ख़त्म हो जाती है, थोड़ा 500 मीटर दूरी पर किले की दीवार ख़त्म है। तो गाय जी ये गणेश जी के मंदिर से आगे एक बावड़ी बनी हुई है और बावड़ी पर ये पानी भरा हुआ है पहाड़ों का। शानदार व्यू है देखने का यहाँ पर। गाय ये जो आप खाई देख रहे हैं, इस खाई के पीछे जो ये पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ पर सामने दरगाह दिख रही है, ये माँ भांजी की दरगाह है जो गणेश जी के मंदिर के बैक साइड में खाड़ी है। खाड़ी के पीछे वाले पहाड़ पर है और ये खाड़ी के नीचे जो ये रास्ता दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, ये 2 नंबर जोन है। रणथंबोर नेशनल पार्क का 2 नंबर जोन है, इसमें जिप्सी कैंटर सफारी के लिए जाते हैं। ये पूरा 2 नंबर जोन का एरिया है। जब ये हम पहुंच चुके हैं काली माता का टेंपल, ये सिद्धिपीठ माँ काली का मंदिर, गढ़ रणथंबोर किला है, ये काली माता का टेंपल है। तो गाइस ये काली का माता का मंदिर है और ये पंडित जी हैं। ये पुरातन मंदिर है यहाँ पर। तो गाइस जब हम पहुंच चुके हैं जैन टेंपल की ओर,
ये यहाँ पर जैन टेम्पल है गाइस, ये जैन टेम्पल है। ये दान पात्र बना हुआ है मंदिर के अंदर गाइस। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, ये साइड में जो दीवारें नजर आ रही हैं, पहले ये मकान हुआ करते थे कोई टाइम पे, राजाओं के टाइम पे, लेकिन अभी सब खंडर हो चुके हैं। अब पुरातत्व विभाग द्वारा दोबारा से इनका नवीनीकरण भी किया गया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर खंडर हो चुके हैं। गाय जी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जो जैन मंदिर के पास में है। ये जो साइडों में जो मकान बने हुए हैं, जो दीवारें बनी हुई हैं, सब ये कोई टाइम राजा के सैनिकों के घर हुआ करते थे, लेकिन आज पूरे टूट चुके हैं। गाय ये जो दरगाह के सामने दिख रहा है पानी के अंदर, ये मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, राजा के टाइम पर मस्जिद हुआ करती थी। और इसके अपोजिट में पदमला है, पदमला के सामने ही दरगाह शरीफ है। गाय जी ये कब्र गाय हैं, ये काजी पीर जनाब सदरुद्दीन साहब के परिवार की कब्रगाहें, उनका पूरा परिवार यहाँ पर दफन है। ये पूरी काजी पीर सदरुद्दीन साहब के परिवार की दरगाह बनी हुई है यहाँ पर, सारी काजी पीर सदरुद्दीन साहब के परिवार की मजार है। और ये किले के टाइम की हिस्ट्री के टाइम की है ये। तो गाइस ये जनाब काजी पीर सदरुद्दीन साहब बाबा की दरगाहें, दरगाह के अंदर ये मजार हैं। ये यहाँ पे सामने चिरागी के लिए ताक बना हुआ है। ये दरगाह के बाहर भी इनके परिवार की मजारे बनी हुई हैं, दरगाह के बाहर भी इनके परिवार की मजारे। तो गाइस जब हम जा रहे हैं बादल महल की ओर, और ये जो दरवाजा बना हुआ है, ये बादल महल के जाने का रास्ता है। गाइस यहाँ पर भी ये महल बना हुआ है जो बादल महल के पास वाला महल है। ये पूरा खंडर हो चुका है, ज्यादातर महल टूट चुका है। गाइस ये जो देख रहे हैं आप, ये जोन नंबर 3 है, और ये जोगी महल है जो जोन नंबर 3 के अंदर आता है। अभी जोन नंबर 3 बंद है, ये अक्टूबर के अंदर सफारी चालू होती है, तो अक्टूबर के अंदर चालू हो जाता है। गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ये तीर लगे हुए हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी से जिस टाइम जंग हुई थी राव अमीर की, उस टाइम ये तीर लगे हुए थे, जो अभी तक तीर ऐसे कैसे ही दीवार के अंदर लगे हुए हैं। तो गाइस जब हम जा रहे हैं बादल महल के अंदर, ये बादल महल है रणथंभौर फोर्ट का। गाइस ये बादल महल है, गाइस ये बादल महल के अंदर एक तलघर बना हुआ है जमीन के अंदर।
ये एक तलघर बना हुआ है जमीन के अंदर, जहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। इसमें खिड़कियाँ जड़ों के बनाए हुए हैं गाइस, इसमें 3 खिड़कियाँ बनी हुई हैं। खिड़कियों में से सामने का जोगी महल और तालाब का अच्छा व्यू आता है, जो नंबर 3 का। तो गाइस जब हम जा रहे हैं कचहरी की ओर, तो अदालत है, अदालत की ओर जा रहे हैं हम। जो राजा के टाइम पे, जो राजा की शाह मीर की अदालत चला करती थी, उस अदालत की ओर हम जा रहे हैं। गाइस ये हमीर कचहरी है, हमीर कोर्ट है। यहाँ पर अदालत हुआ करती थी राजा के टाइम पर, यहाँ पर अदालत चला करती थी। अभी यहाँ पे चमगादड़ों का डेरा है। जी अदालत के बाद थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ मंदिर है बालाजी का। मंदिर के बाद में यहाँ पर गेट बना हुआ है, ये लास्ट गेट है। इस गेट के बाद में किले की दीवार का एंड हो जाता है। यहाँ से रणथंभौर फोर्ट की दीवार का एंड है, फोर्ट ख़त्म हो जाता है। ये रणथंभौर की दीवार है किले की। तो गाइस ऐसा करते हैं, आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। आज हमने रणथंभौर फोर्ट का व्लॉग बनाया था, जिसमें रणथंभौर फोर्ट के बारे में ज़्यादातर पूरी जगह हमने आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाई है। तो हमारे चैनल साहिल खान व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें कि अगर आपको कुछ कमी लगी तो आप बताएं, तो हम उसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम उसका सुधार कर सकें। और गाइस बेल आइकन जरूर बजा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सकें।